सौने इंतजार जी में कुमरत मुलक चला रही है मेरा जान मौजूद सामी हजार इतनी तादाद के अंदर तुम तशरीफ फरमाओ जुड़ जुड़ के लोग बैठे हो जगह नहीं मस्त मरकज के अंदर मैं हजरत अलामा अब्दुल्ला इनाम साहब हजरत अलामा इनामुल्ला खुजाई साहब और इन्होंने इंतजामिया और यूथ कोरस और बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इंतजाम किया और मदरसा उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अंदर जितनिया बच्चियां पढ़ चुकी ने पढ़ रही ने उन्होंने जितने वालिदैन आज शरीक ने इस जलसे जितने दोस्त अहबाब संगी मित्र बेली तुसी जने छोटे बड़े नबी सारे जमा दे मैं दुआ करना है अल्लाह जिन्हें ताड़े जे जने आए ने इन्हें सारे की जवानी चला बरकत पाए और जो बुढ़े ने अल्लाह सेहत वाली मान वाली जिंदगी अता फरमाए और जो बच्चे ने अल्लाह इन्होंने अपने माँ बाप की अखा की ठंडक बनाए अपने माँ बाप की उम्मीदा से पूरा उतरने वाला बेटा आ गए और थोड़ा सा जल्दी आगे हो जो माहौल अल्लाह आपको अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला बनाए रन मरीदी तो अल्लाह महफूज फरमाए तो जेड़े माँ प्यो गहने ते जेवर पाउन ते ओ जेवर की तुसी लाज रख के सारी जिंदगी अपने माँ प्यो नूं सोहना बन के बनाओ ये बैल की लाइट बेटा बंद करो ये आंखों में बढ़ती है ये बैल की लाइट बैल के बिना बेटा फ्लैश आना है तुम भी बंद कर दो सारे ये बैलों की लाइटों वाले फ्लैश छोड़ना बंद कर ये असल मेरी एक ऐनक के शीशों में जो पड़ती है कोई बात नहीं लाइट अमीर तो है नहीं जरा मैं शीशे चंगे महंगे लगा ला तो लाइट ना पड़े क्योंकि 150 रुपये तो आलू हो गए ये पूरा करा दे तो काम आगे चलना है ना 150 तो भी उत्ते आलू किलो हूँ मोरी थोड़े जो सस्ते होते हैं जो पुराने आलू हो महंगे जो पकाने के काबिल ने वो महंगे चीज तो चाहती हो मेरे बच्चों जितने तुम आए थे बैठते जाओ बच्चे ना इंज करो बैठ जाओ जितने बैठे हैं गेट चो बैठ जाओ हम अंदर ना कोई आ गए अंदर जगह भी है तो कितने लगना है बैठ जाइए आप बैठ जाओ आवाम खड़ी रहते हो चंगा जो खड़ोते हो जे वक्त चंगी ना पे सू कौन की लोड़ की है हाँ जी मैं दुआ करना है इस मरकज वास्ते कि अल्लाह इन दीन का मरकज बनाए हर जितने स्टेज से बुजुर्ग बैठे ने उलमा बैठे ने बच्चे बड़ी खिदमत की ना चाहला ये बड़े खिदमत कर रहे थे अल्लाह इन्हों की खिदमत कबूल फरमाए और जितने स्टेज के कायदीन बैठे ने अल्लाह इन्हों का आना कबूल फरमाए मेरे दोस्तों इस दौर के अंदर मैं दुआ करना है अल्लाह पाकिस्तान में महफूज रखे पूरी दुनिया की ताकत पाकिस्तान में डिस्टर्ब करना चाहती है मगर कान खोल के सुन लें साढ़े पाकिस्तान के इदारे ISI MI मिलिट्री इंटेलिजेंस IB इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल ब्रांच 1122 ट्रैफिक वार्डन अदलिया सेना कौमी असम्बली पाक फौज रेंजर पंजाब पुलिस डॉल्फन शेख सिटी और SPU PRU और जनाब जितने मुहाफ़िज फोर्स और CIA और FIA जितने हमारे इदारे पाकिस्तान की बका के लिए ये जाग रहे हैं बेटा ये बंद कर दें मैंने बोला है ना जितने बैठे हैं ये जितने इदारे ये पाकिस्तान की बका के लिए जाग रहे हैं तो आज हम इधर जलसे में बैठे हैं ये जागते हैं तो पाकिस्तान अपना भी कायम है ये जागते हैं तो हम इधर बैठे हैं ये अपने बच्चों को छोड़कर आपके लिए पारे में खड़े होते हैं रोज तो हम अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं ये हमारे इदारे जागते हैं तो हम जनाब अपने बच्चों के साथ पार्कों में घूमते हैं वो अपने बच्चों को बीवी को छोड़कर पार्कों के दरवाजे आगे खड़े होते हैं ये पंजाब पुलिस आपको गेट पे खड़ी मिलेगी गुजरात
जनाब पुलिस गेट पे कड़ी स्पेशल ब्रांच, जनाब जितने हमारे इदारे वो रैकी करते नजर आएंगे आपको कि पाकिस्तान की आवाम को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई दहशतगर्दी ना फैलाए। तो इसका मतलब है ये गुजरात के जितने बाजार शॉपिंग सेंटर दुकानों वाले इनको तो अपने शटरों पे लिखना चाहिए कि आई सलूट यू पाक फौज, पाक पुलिस, पाक इदारे के जिनकी बदौलत आज बाजारों में रौनक है। इन्होंने 70,000 बच्चों की कुर्बानी देकर अपने जिगरों के टुकड़े, अपने जवान कैप्टन, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और हवालदार इन्हें कुर्बानी दे के ते जनाब आज पिंडी असना जितना बड़ा जनाब जलसा हो गया। ऐसे वजह क्या है? अगर असी इन्हों सलूट नहीं मारांगे तो मेरे दोस्तों दुश्मन अपनी चाल च कामयाब हो जाए। जिन्हें बैठे जी ना अपने अपने नजर चढ़ा लो कि अति रात में फोन कर देना 15 के जनाब सानू परेशानी है तो गड्डी लेके भजे आने ते जे तुसी आके ना लेट आउंदे ते तुसी उनू खड़ियां गड्डियां लैंड क्रूजर लैके दिंदे चंगियां लैके तो अच्छे थी आ जाए ते सड़कां इत्थे में कुत्तियां रजाई पाड़ी हुंदी ते फिर अपने छेती आउंदे। हाँ जो आते हैं तो ताकि गल सुन ले ते जे तुसी गालां कढ़ियां ना पुलिस नूं ते जे उन्हें एक दिन भी फोन ते कह दिता ना भी हुण जनाब हाँ भी इधर खड़े हैं डाकू लूट रहे तो उन्हें कह दिता भी सानूं गालां कढ़ो फिर की बनेगी। मेरे चन्नो मेरी मनो अपने मुल्क के इदारे पार्टी अपनी अपनी रखो जिहड़ी मर्जी पार्टी च रहो। हाँ जी सानूं कोई गर्ज नहीं तुसी जिहड़ी मर्जी पार्टी च रहो बेटा मोबाइल छोड़ो बे बुजुर्गो तो अज अपनी अपनी पार्टी च रहो जितने बैठे हो अपनी अपनी पार्टी रहो पर पार्टियां बदलदियां रहिंदियां जे ते इदारे नहीं जे बदलदे इदारे ते मुल्क दी रीढ़ दी हड्डी होंदी ते मुल्क दी सरकारां दे उत्ते खड़े। तो मैं परमला ऐलान करता हूँ अपने चाहने वालों को कभी ऐसी पोस्ट मत शेयर करना जिसमें इदारों की तोहीन हो। इदारे फर्द का नाम नहीं होता, इदारा एक पूरे ना कि इतना दस्ता होता उसमें 10,000 फोर्स हो उसमें 20,000 फोर्स हो उस पूरी फोर्स का नाम होता है। तो इदारों में अच्छे बंदे भी होते बुरे भी होते तो आप अच्छों को देखते ना बुरों को ना देखते। अपने घर च पांच पुत्र होंगे ने तो प्यो पंजा पुत्रां च पैसे किन फड़ा एक पांच धीआं होंदियां ने माँ पैसे फड़ा एक चार ने निकल ही किया कैसी बई माँ बोलो इहदा मतलब है कि घर च भी एक ते इतमाद होंदा ते इस तरह दूसरे उन्हें बर्दाश्त करते। तुहानूं भी मैं कहांगा अगर किसी इदारे च कोई बंदा गलत आ जाए तो उस बंदे नूं वेख के इदारे नूं गलत नहीं कहना वो बंदे नूं कल्ला कह के बाथरूम दे लाओ तेरी मर्जी है अल्लाह तू ते सुनदा ही है ना कल्ला कह। हाँ जी मेरे बच्चों तुसीं घर च भी ते इक गल्ला बर्दाश्त कर लैंदे हो इस वास्ते मैं तुहानूं भी कहांगा कि अपने मुल्क दा दफा करो। मुल्क कायम है कैसी कायम है अल्लाह जिन्हें बैठा है कोरोना वायरस को महफूज फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान के अंदर जितनी बीमारियां अल्लाह सब महफूज फरमाए और आई हो गया यही सानू बीमारी लगी है अल्लाह ले आने वाले को ले जाए। हां जी मैं सिद्धि दुआ कर ये बीमारी है ना मुझे आई जेड़े जेड़े विच माफिया ने अल्लाह ने माफ में तो मुल्क को महफूज फरमाए ये माफिया जिन्हें चिकर कंट्रोल ना हो तो मुझे कख नहीं पड़ हर चीज़ पाकिस्तान चीजना कमा दे सूर वर जाए ना कमा च सूर भी लग जाए। हाँ इन्ना कमा दे पाकिस्तान तो देख लो सारे को चीनी मिल की वजह माफिया ने ये जब तक उन्होंने कंट्रोल ना किया गल नहीं बन तो अचो जितने बैठे मैं तुम एक गल से मोटिवेट करना पहले मुल्क वास्ते मैं जरूर बोलना अपने मुल्क च कि मेरे बच्चों अपने मुल्क को सपोर्ट करो। कितने बच्चे वादा करते हैं कि हम अपने जितने इदारे फेसबुक पे इसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह कोई ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करेंगे जो मुल्क के खिलाफ हो वादा करें इंशाल्लाह खुदा बच्चे है ही सारा सरमाया बच्चे। हाँ जी मैं खान साहब को भी कहूँगा खान साहब मेरा जन मेरी मन तू साडे मुल्क का सरबराह है आप मुंडिया ने तेन वोट पा के लैंदा है
तेना मुंडिया नूं नौकरी दे तू अगलिया भी इन्हां कोल खोई आउणा इन्हां मुंडिया नूं दे स्टील मिल वाले 4-5 हज़ार मुलाजम बेरोजगार हो गए ते मौलवियां तू 6 महीने तू बेरोजगार किया ही किया सानूं कोई पैकेज नहीं दिता इस हुकूमत हर महकमे नूं पैकेज दिया वापस दिता फलाणे नूं दिता ताजरां नूं दिता ते 6 महीने मौलवियां ने घरों खाधा मसीत वाले ने सानूं कोई पैकेज नहीं दिता I'm
बच्चा मां वर्गा है, बच्चा दादे वर्गा है, बच्चा फूफी वर्गा है, बच्चा ताए वर्गा है, बच्चा चाचे वर्गा है, ये दाना तो मां वर्गा है, ये दा मथा आपे वर्गा है, ये दे पैर पे हो वर्गे नहीं, ये दा नाम तीन वर्गा है, ये दा नाम कहना वर्गा है, बंदे वेसे नहीं, दानिया वेसिया नहीं, पर अल्लाह जानता जो कमली वाले नु वेखिया बेने आज ने फरमाया ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ
फेसबुक के उत्ते इन्होंने पूछ के तुहाड़े किन्ने फ्रेंड ने जी मेरा 5000 फ्रेंड है मैं कहा चल यार झूठ बोलना है कहता मॉडल जी मेरी तो खोलन फॉलोअर करन टाइम हूँ तो मेरे फ्रेंड मौके ने खोल हो गई है तो मैं फॉलोअर ही बधाया अच्छा मैं कहा फ्रेंड ने तेरे 5000 कह दिया जी मैं कहा दस तेरी मुश्किल से किन्ने पौन गए मुश्किल ते जड़ा तेरी आवे वो तेरा यार मुश्किल पई जे खां दुनिया में कोई सी यार दे यार हो जड़ा तेरी मुश्किल ते आवे यार हो जड़ा तेरे मरण तो बाद तेरी बच्चियां नु धी समझ के व्यावे ते कार च आउण लगे आ टोले गेट खोल के इंज रवे जिवे सका प्योर हुंदा ऐ ना यारी ते साडे यार है जी मुझे 1K, 2K, 4K, 3K, 5K, 5000 लाइक मिले हैं जी मुझे इस पिक्चर पे इस वीडियो पे 6000 लाइक मिला है मैं कहा झूठ बोलना जिन्हें लाइक की तरह स्क्रॉल करके अगर गुजर गया उन्हें नहीं पता तू कौन है जो लाइक होया तेन नहीं पता वो कौन है जिन्हें किया तेन नहीं पता जिन्हें उन्हें किया उन्हें नहीं पता मैं कहा पता कौन लाइक 5000 तेन लाइक मिले है किसी काम का नहीं तेरे लाइक उदन काम के नहीं जिदन तेरी भैन कवे आई लाइक यू भाई जिधर भरा कवे आई लाइक यू ब्रदर जिधर माँ बाप कवे आई लाइक यू बेटा जिधर मौलवी कवे आई लाइक यू नमाजी जिधर नमाजी कवे आई लाइक यू मौलवी साहब जिनाती सुन लो ये लाइक तुमने ड्रामे बनाए हुए फेसबुक पे इतना इतना लोड जाया करते हो ये सब बनावटी है सच्चाई चुप नहीं करती बनावट के असूलों से बशबू आ नहीं सकती कभी कागज के मैं खरियां गल्लां करना ताकि लोगों को पता लगे कि असल लायक है जेड़े बंदे हदीस पाक ने कहा लायक वो की है कमली वाले ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहली तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है ये तो चाचा तो भतीजा तांगे भतीजा चाचा तांगे ताए तो भतीजा तांगे मासी तो कांगे अपने माँ तांगे अपने में तो मासी तांगे फूफी तो भतीजा तांगे भतीजे तो फूफी तांगे फुफड़ तांगे ना की सास को दुआई तांगे और तगड़े गोश्त खुआंदी मारे गोभी खुआंदी मारे जवाई ते मुसीबत ही बहुत भी लगती मसला अपने निसार लगता है जब मारे दी गड्डी पंचर भी हो गया तो लैंड नहीं जाए ते तगड़ा एयरपोर्ट तो दर्द सारे जाते हैं आपको हम लीनी आज इसके मेरा फ्लाइट पता ना वो तो सूर लगना पता ना तो माल लगना इस माया के तीन नाम बसु बसा बसराम जिन्हें जिन्हें तौल तो दे ना वो मेरे लोगों का अदब देख लो तुसी सिद्धियां कर मारे को इवन कौन लैंड कर रहा है ज्यादा को लैंड इन्हें बैठे में दस सुन आज कितने मुसलमान गेट के नीचे बैठो ना जरा पिछले में नजर आंदो बैठ जो सेंटर में गेट के बैठ जाओ नीचे बैठो या ना काम कर लो जेड़े वाले अभी करना चाह रहे हैं वाले जितने लै गए बेटा नीचे बैठ जाओ पिछले में काम ना कर बेटा तू नहीं बैठ जाते आना नीचे बैठ अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों नीचे बैठ जाना बेटा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों मैं जिथे गल लेना चाहना अल मरूफ कोरोना मॉडल साइट 2020 ओदा 12वां महीना ते 12वें महीने दी अज 6 तारीख ते 6 तारीख दे टाइम दे मुताबिक 10:30 बजे तक मामा बच्चे जमन गियां दानियां वेखनियां होलियां जड़ा 2 साल हो गए गरीब वेखन दे
पहचान कर दिया जी नासर मदनी पिंडी असना के मस्जिद के अंदर बहुत बड़े मरकज च दरस च ते मैं ते चंद चाड़ के लोगों को दसना है चंद होवे ते जग वेंदा जाए लोगो अज वेख लो असी नबी नु कैसा मानने चंद होवे ते जग वेंदा है ना चंद चढ़े ते सारा जग वेंदा है हां जी चंद चढ़िया नहीं चढ़िया है सारा जग वेंदा है होवे ते वेंदा है ते चंद इक चढ़दा अपने भी वेंदे पुराने भी वेंदे हां जी चढ़िया है अल्लाह जानदा बेटा तो जो मेरे वाले जो इमाम नबी आदा कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी करीम आदा कलमा पढ़ने वालों मैं तेरे सामने है जो हजूर का दरगाह मेरे जुमे शान मुस्तफा मौजूद लगाए और इस सारे माशरा में खुद आप बयान करता हूं नहीं कोई भी मौजूद है दिन दिन में माशरा जरूर लेके आना ही क्योंकि माशरा सही होएगा तो इस्लाम फैलेगा इस्लाम की रात ना प्याला सुन लाओ छे छे सौ फुट मीनारा नहीं फैलिया इस्लाम इस्लाम पहले है हजूर के तोलन हजूर के बोलन हजूर के चलन हजूर के बैठन हजूर की बर्दाश्त हजूर की सोच हजूर के अदल हजूर के इंसाफ हजूर की रहम दीन हजूर के करदार हजूर के प्यार हजूर के लिबास इस्लाम पहले ही कमली वाले के उठन बैठन जिस तरह सोना चलता सी लोगों ने देखा कहते जैसा तो पाए बात आज कितने मुसलमान बैठे जरा अपने अपने अंदर देख लो जहां येरे वाले करना चाहिए मेरे इमाम आले मुकाम हुसैन देना न जान मानने वालो मेरे मदनी करीमा काल मानने वालो मेरे मोबरे साल नबी दा कलमा पढ़ने वालो सुनो जरा ध्यान नाल करने वाले मौजूद मानने वालो मेरे मोबरे साल नबी दा कलमा पढ़ने वालो मेरी बहने तू भी ध्यान न सुन लो दाइयां वेख के बच्चे फैसले कर दियां ने जिहड़े कमली वाले नूं क्या कर दाइयां कोई क्या मैंगा की क्या होएगा अल्लाह दा कुरान जितने बैठे इमान वाला हुए अल्लाह राजी हुए क्या मंदिर हुए ना कमली वाले की शान
आका ब्रह्मा अल्लाह आओ मैं दसा मेरा नबी चले हो जिस शोबे वेखोगे हजूर आएंगे नजर आऊंगे बंदा लैके एक गली भुले गली दूसरे पास दूसरी भुलो तीसरे पास तीसरी भुलो चौथी चौथी पुलों ने पंजी पास उन्हें नहीं कभी कहते नहीं दसिया ये साढ़े बंदे नहीं जेड़े वे सबरे जाने थे कि डोगरा ना पूछना कि वे तेरे कन वाई दिन तेन अगे नहीं दसिया हाँ जी सची गल नैट सीख लो कुछ अंग्रेजी को ही सीख लो और तू सीख लो गिडी बर्दाश्त वाली मुसलमान गुजरात पहुंच जाना कोटले पहुंच जाना वीरा पाकिस्तान के किसी शहर च पहुंच जाना कमली वाले को डायरेक्शन लैके जन्नत नहीं पहुंच सकता मेरे को ਕਾਫੀ ਕਰ
आज किन्ने वाले वादा करते मैं बड़ा अफसोस हो मैं नहीं पूछता चंगा सी कोई फर्ज ते रह जाता आज किन्ने वाले वादा करते और असि आज तो बाद 100 वर्ष का दूर तुम पेश पड़ा पड़ा चुको अंदर अपने कंट्री ते वादा करो नमस्कार चुको चुको दुरूद पढ़ना मोहम्मद व आले मोहम्मद दानाओ
मेरे मुहम्मद दा नाम फरिश्ते मेरे मुहम्मद दा नाम दुनिया च मेरे मुहम्मद दा नाम मुल्का च मेरे मुहम्मद दा नाम सूबिया च मेरे मुहम्मद दा नाम रीजन च मेरे मुहम्मद दा नाम शहर च मेरे मुहम्मद दा नाम जिला च मेरे मुहम्मद दा नाम टोना च मेरे मुहम्मद दा नाम रूसी च मेरे मुहम्मद दा नाम देहाता च मेरे मुहम्मद दा नाम शहर च मेरे मुहम्मद दा नाम समरी च मेरे मुहम्मद दा नाम सिंध च मेरे मुहम्मद दा नाम आइन च मेरे मुहम्मद दा नाम दस्तूर च मेरे मुहम्मद दा नाम अक्सा च मेरे मुहम्मद दा नाम बिहार च मेरे मुहम्मद दा नाम नबिया च मेरे मुहम्मद दा नाम रसूला च मेरे मुहम्मद दा नाम मलक च मेरे मुहम्मद दा नाम फलक च मेरे मुहम्मद दा नाम मक्के च मेरे मुहम्मद दा नाम मदीने च मेरे मुहम्मद दा नाम मस्जिद च मेरे मुहम्मद दा नाम मिंबर ते मेरे मुहम्मद दा नाम सकता क्योंकि उसका फाते नाम तो मरो
ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਚੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਨਮ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 1908 ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡੀ ਹਸਨਾ ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਚ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਚ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈਟਰੀਨ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢੀਜੀ ਢੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਮ ਹੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ
बनाया मैं खुद ये
Thank you.
जवानियां
कितनियां खारोरियां ने दर्द रखन
بندے آویں کتنے سیرت نو نبی اے میں تیرے سامنے مصطفیٰ دا کردار قربانیاں مانیا میری لاڈ فاطمہ او میرا مکن تے میری ملائی فاطمہ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਯਤੀਮੋ ਗਰੀਬੋ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ
खुश हो गए कहन मेरी मां ने कुर्बानी ली है ये फर्श पे खुश होन के अल्लाह अर्श ए अजीम पे खुश हो जाएगा चलिया सवारी चाहती देख ला तू चलिया अपने भरावान मना मेरे को गड्डी नहीं दोस्तों गड्डी दे देना भरा गड्डी दे दोस्तों गड्डी दे देना दाई ते अपने रिश्तेदार नहीं देना उन्होंने कहना भाई गड्डी खराब ते ऐ देख मुस्तफा दा दरबार सवारी मियां मोहम्मद पर फरमान ने माला माले सजदी फुले तेरी इज्जत में सलाम करती हूं मैं
हिजाब कितना अजीम ने सुनिया जेड़ा लफ्ज सामने करा कहंदे मजे नबी ने हिजाब आकी आलम जी कहंदे वीडियो ते इधर औंदा सी अपने नाम लिखते सोचो ना कितने लिखते नहीं ताकि फरिश्ते कवर से लिख के अपना इंटरनेशनल बनाता है चले आप तेरे नबी ने यारों ने अपने तेरी कलमों पर लिया जब तू कलमे पढ़ने वाला हो के बगैर दिया अब लम कभी गौर किया कितने बैठे से आपा से आपा सारा जग करता है अपने अपने रंग बेच करता है मगर जो सियापा करते हो कोई कोई करता है करते हो कितने बैठे ने मुझे नबी पार करना है कोई बात सारे कार्य पास से देखना है नहीं बैठे ये तेरे रक्षे वेले वेले जाग कर आप चुप आ गया मेरे मामा की मेरे पास किसी हो गया कटा सी हो हजूर ने फरमाया जिस हालत में मौत आई वो क्यामत को उसे आदर से पाया गया मेरे बच्चे ना मैं दर्दत वजो मैं कमली वाले की सीरत को करता हूं समझाई कि यारा ने आंख भर के भी देखे नहीं 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 करैक्टर बनाना अपना दरबार का ਜਦੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਗੜੇ ਮਾੜ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਜਮਾਨਾ ਤੇ ਸਰਾਜ ਉਦੋਂ ਗਾੜੀ ਗੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਕਿਸ ਪਰ ਚਾਤੀ ਨਾ ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਘੋੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਕਿਸ ਪਰ ਚਾਤੀ ਨਾ ਪਰ ਛਾਪਤੇ ਲੋਕੀ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਝਾਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਮੋਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੇ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭਾ ਲਓ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਆਏ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਭਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਝਾਂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭਾ ਲਓ ਚਲੇ ਆ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਤੋ ਹਿਆ ਕਰ ਲੋਕੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਵਾਸ ਮਗਰ ਅੱਜ ਹਿਆ ਕਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ 94 ਹਿਜਰੀ ਪੈਦਾ ਹੈ 184 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੈ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਏ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਸੂਰ ਹਿਫਤ ਕੀਤੀ 7297 ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵ ਰੁਕ ਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਹੈ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆਨ ਕਰਨੋ ਇਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ
चिट्ठी पढ़वाने बैठे हो, शम्मा का जिक्र अगर कमाने च मारे ऐसे पेड़ के चौधरी का नाम रवन तारे गुजराल का जिस नमाज च मोहम्मद व आले मोहम्मद की नमाज हमारे पहुंची चाहिए पूरी जवान है ना,
कंबल ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਲੈਣ ਗਏ
रेट पूछ के लोग सच्ची गल बड़े पेड़ पर गया
मैं चल मैं चल कहते अपने अंदाज में दसो कि मैं चस्का है मैं चल चस्का ले पाकिस्तानी पानी पी के गिलास भी लै गए समझी रात की पानी पी के गिलास इतने चढ़ा बहुत ही पालो पर हम इत रेहड़ी शेर है भाई कलीर जी मेरा पुराना यार है पुराना यार जो मैं तजर्बे कार मिले तो भाई कलीर जी सच्ची गल कर लगा और उतो 2 किलो सेब ले घर आके देखिए ना काले छापर चो काले छापर चो तो 2 दागी सेब में निकल तो कोई जेडे नाल शेर में पा के दिता ना लागे खिला बेली बुली आई जाने मैं कि मैं उजू तुम भी आ जाना पूरे जलसे का निचोड़ आप कर लेने टोकरी मरूदा नहीं खोलागा मैं की करांगा मैं लाख नहीं निकल जलसे क्यों सुन दो फिर मसला में बाजार 150 फुट क्यों बनाऊंगे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के चलिया जिस नबी का कलमा पढ़िया जिस नबी का सा कलमा पढ़िया उस नबी मसूद सादत ते अमीन कहने ते हुण साडा करदार हो गया साडे कोल ते मैं इक जगह जुत्ती का पास कर लिया जुत्ती समझ ओए जुत्ती चुगली कहे ने तो जलसे दे विचों किसे फड़ लिया मेरी
पर बंदे इंजे बन जो कि वेख के लोग कलमा भी पढ़न कसम भी देने भाई शाह शहर के कसम मैं देना मियां मामा बड़ा फरमान ले चो